हे गाइस, तो फास्ट कार के एक अनदर वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा नाम है कांडांगी। तो भाई आज हमारे सामने खड़ी है टाटा की एल्ट्रोस और काफ़ी बढ़िया लग रही है। दो कलर में है ये, एक तो है गोल्डन कलर में, दूसरी है ये ग्रे कलर में है। जो है इसकी जो बेस मॉडल की कीमत स्टार्ट होती है वो 5,92,000 से स्टार्ट होती है। वहीं जो इसके टॉप मॉडल की कीमत है वो है 10,63,000। ये आप देख रहे हैं ये ग्रे कलर में है, ये काफ़ी अल्टीमेट लुक आ रहा है भाई, काफ़ी मस्त लग रही है। इसकी जो लाइट है वो भी काफ़ी बढ़िया लग रही है ब्लैक कलर में ही। ये देखिए ये इसमें यहाँ क्रोम में फिनिशिंग दी गई है मिरर पे ही। ये जो आप मॉडल देख रहे हैं XT मॉडल देख रहे हैं, और ये जिसकी जो प्राइस जो स्टार्ट होता है ये होता है 7,81,000 से। इसका जो ये है मॉडल यहाँ पर यह खड़ा हुआ है। आगे इसमें आपका फ्रंट फॉग लैम्प मिल जाती है और हैलोजन की इसमें लाइट मिलती है। ये देखिए दो कलर में आपको दिख रही है, दोनों ही कलर काफ़ी अच्छे हैं। जो वैसे गोल्ड काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखी जाए तो, और जो इसकी लेंथ है जो गाड़ी की वो भी काफ़ी लंबी है अपने इस सेगमेंट में। अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो इसमें 3,990 mm की इसमें लेंथ दिखी है। वहीं वेट की बात करते हैं तो 1755 इसकी चौड़ाई है, और पेट्रोल में है ये। इंजन भी काफ़ी बढ़िया दिया गया इसमें, 55 BHP की पावर ये जनरेट करता है। ये देखिए इसका साइड मिरर जो है ये XT मॉडल में ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाएंगे। इसमें जो रियर लाइट दी गई है LED की दी गई है आपको। इसमें जो ये इस वाले मॉडल में XT वाले मॉडल में तो आपको 16 इंच के आपको अलॉय मिल जाते हैं, वहीं आपको जो बेस मॉडल में मिलते हैं वो 14 इंच के मिलते हैं। ये इसका साइड डोर है ये, ये देखिए यहाँ इसमें फ्रंट और रियर में दोनों साइड आपको इसमें पावर विंडो मिलते हैं। अंदर क्रोम का फिनिशिंग दिए गए हैंडल पर ही, और डोर में पॉकेट दी गई है यहाँ आपको बोतल रखने के लिए। अम्ब्रेला रखने के लिए भी इसमें जगह दी गई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि अम्ब्रेला रखने के लिए आपको जगह मिलती है ऐसे कम छोटी वाली गाड़ियों में। जो डैशबोर्ड है काफ़ी अच्छा दी गया है, स्क्रीन है जो भी वो भी काफ़ी अच्छी गई है, टच स्क्रीन है वो, और काफ़ी सारे उसमें फीचर्स दिए गए एंड्रॉयड और कार एप्पल प्ले दिया गया है। ये देखिए इसकी सीट हेडरेस्ट एडजस्टेबल है फ्रंट और रियर के दोनों के ही। जो डैशबोर्ड है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया भी लगता है। डुअल इसमें आपको ऑटोमेटिक एयर कंडीशन मिलता है। वहीं इस यहाँ से इसके यहाँ पे हाथ लगा के आप इसको खोल सकते हैं पुश करके, हैंडल नहीं दिएगा इसमें, बस पुश बटन करना है और ये डोर ओपन हो जाएगा। रियर में भी वो सेम ही मिलते हैं डोर जो आपको फ्रंट में मिलता है। क्रोम का फिनिशिंग दी गई है, पावर विंडो है, और ये देखिए 90 डिग्री पर डोर ओपन हो जाते हैं इसके चारों के चारों। ये देखिए रियर में आपको AC मिलता है, 12 वोल्ट का एक चार्जर दिया गया है, और जो वहाँ पे जो जगह दी है वो भी देखो नीचे दी हुई है, नहीं तो ज़्यादातर गाड़ियों में उठी रहती है। वहाँ पीछे आपको आर्म रेस्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये देखिए बूट इसका जो दिया गया कुछ इस तरह से दिया गया है। रियर में इसमें ब्लैक कलर की फिनिशिंग आपको सारी ही गाड़ियों में मिलेगी, चाहे बेस मॉडल ले लो चाहे इसमें टॉप मॉडल ले लो, सब में ही आपको इसमें ब्लैक कलर का मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे इसमें लाइट में मिलती है। जो इसका जो है बूट स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। बूट स्पेस में जो इसमें दी गई है वो 345 लीटर का आपको इसमें बूट स्पेस मिलता है। अपने साइकिल में काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस है इसका, और इसमें पार्सल ट्रे भी मिल जाती है आपको यहाँ पर ही। रियर वाइपर दिया गया है, एल्ट्रोस की बैजिंग काफ़ी बढ़िया लग रही है वहाँ, और ये पीछे एक छोटा सा स्पॉइलर दिया गया है। देखिए रियर से कुछ ऐसी दिखेगी, इसका 90 डिग्री और डोर ओपन हो जाएगा। मोटे लोगों के लिए आराम से बैठ सकते हैं, जो जिनको ज़्यादा दिक्कत होती है बैठने में वो आराम से खुल के इसमें बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ स्पीकर दिए गए इसमें, ये देखिए रियर से कुछ ऐसे दिखेगी है। इसमें आपको 6 स्पीकर्स मिल जाते हैं, ये ऑटोमेटिक फोल्डेड है ORVM। तो इसमें यहाँ पे क्रोम का फिनिशिंग दी गई है, पियानो फिनिशिंग दी गई है इसमें ही XT वाले मॉडल में ही। ये देखिए यहाँ से वन टच अप है, वन टच डाउन है, और यहाँ से आप इसमें अपने साइड के शीशे ऑपरेट कर सकते हो अंदर बैठे ही। स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पर दिया गया है, ये स्टेयरिंग के कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो आप यहाँ से, और ये यहाँ पे इसमें यहाँ स्क्रीन दी गई है जो कि सारी चीज़ें बताएगी आपको, एवरेज फ्यूल कंजप्शन कितनी चलेगी सारी चीज़ें ही।
ये आर्मरेस्ट दिया गया, इसके नीचे भी स्पेस दिया गया है। ये मैनुअल है यहाँ पे, जो ये एवरेज देती है, ये देती है 21 की एवरेज पेट्रोल में देती है कंपनी बोलती है, और फ्रंट से देखिए कुछ इस तरह दिखेगी, और डीजल में ये एवरेज देगी 25 की। ये देखिए काफ़ी बढ़िया लग रही है। आगे इसमें जो है क्रोम के फिनिशिंग दी गई है लाइन की, फोग लैंप यहाँ आपको मिल जाते हैं, ये हैलोजन के आपको इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, हेडलाइट दी गई है यहाँ पर काफ़ी बढ़िया ही हैलोजन की। ये बीच में ये क्रोम का टाटा का ये लोगो दिया गया है, जिसका बम्पर है वो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक गाड़ी लगती है ये। और ये 16 इंच के यहाँ टायर दिए गए हैं इसमें अलॉय के साथ, और यहाँ साइड में इंडिकेटर दिया गया है यहाँ पे ही। तो नीचे ये आपको रिफ्लेक्टर भी मिल जाते हैं, यहाँ पे ये कैमरा दिया गया है, ये वाइपर। तो ये देखिए कुछ इस तरह से है, गोल्ड कलर में आपने देखी है, और मैंने आपको इसमें ग्रे कलर की भी दिखाई है, तो काफ़ी बढ़िया है, अपने सेकंड हैंड काफ़ी मस्त गाड़ी लगती है। तो ये देखिए यहाँ पे वो साइड में खड़ी हुई है।